जी सलामकुम जी उस्ताद सदोखा, ग्रुप के तमाम मेम्बरान जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से जितने लोग भी जितने हैं, भी सीनियर जूनियर्स और आर्टिस्ट, सबको मेरी तरफ से बाबा न्याजी जावेद न्याजी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप लोगों का शुक्रिया कि आज आप हमारे वालिद तुफैल नईम साहब की याद में बोल रहे हैं। उनके लिए बोलना तो बहुत बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि उनका काम, ये जितने लोग हुए इनके काम सुने जा सकते हैं, करने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन दुआ अगर हो तो खुशबू तो आ सकती है। हम लोग तो नहीं समझते, लेकिन लोग जो मोहब्बत करने वाले हैं वो हमसे मोहब्बत रखते हैं कि वालिद की खुशबू खुशबू है, लेकिन उनको फॉलो करना, मैंने पहले भी कहा था, बड़े आदमी का बेटा होना मुश्किल बात है, लेकिन मुश्किल बाप का बेटा होना तो बिल्कुल मौत है। तो बड़े आदमी थे और मुश्किल आदमी थे, तो मुश्किल लोगों की औलाद होना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतों में, वो थे लोग जन्नत वाले लोग थे, अल्लाह ताला उन पर राज़ी था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 साल हो गए उनको गए हुए, आज भी उनका जिक्र हो रहा है और अच्छे लफ्ज़ों से जिक्र हो रहा है, बेशक। और उनका काम सुन के सुभान अल्लाह कहा जाता है, तो उसका मतलब यही है कि अल्लाह राज़ी है। क्या बात। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत पर रखे, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, एक माहिया है लम्मा गन्ना को माता जी, उनके अपनी कॉम्पोजिशन उन्होंने गाया हुआ, वो जो लोग कहते हैं फोक, वो फोक गायक तो ऐसे उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो किसी घर में किसी महल में गा रहे हैं। इस बात पे मुझे एक वाक्य याद आ गया, बॉम्बे में उस्ताद अमीर अली खान का अवार्ड न्याजी साहब को दिया गया, जिसमें तमाम इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए थे, नौशाद साहब, लता मंगेश, उस्ताद वलैद हुसैन खां, बड़े 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 लोग। तो पहले वलैद हुसैन खां साहब ने सितार बजाना, उन्होंने दरबारी बजाई और कमाल के दीवारों में सुर गाड़ दिए। उसके बाद वालिद साहब ने गाना था, ये नहीं कह रहा कि वालिद साहब करके उनकी तारीफ कर रहा हूँ, तो वो भी गाए दो ढाई घंटे। उसके बाद अवार्ड की तकरीब हुई, उस्ताद अमीर अली खां का अवार्ड उस्ताद फतेह अली उस्ताद वलैद हुसैन के हाथों न्याजी साहब को दिया गया। तो वलैद हुसैन खां के कमेंट्स थे उनकी गायकी के बारे में, ये कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है, वलैद हुसैन कहने लगे कि अल्लाह का आज लाख लाख शुक्र है कि तुफैल साहब को आज से पहले हमने कैसेट्स पे सुना था, लेकिन सामने अल्लाह मियां ने मौका दिया बैठ कर सुनने का। तो उन्होंने यानी कि बिडार की डेफिनेशन की थी कि कूंज जो है वो हमेशा डार में जाती है, जब उसमें से कूंज एक हटती है तो वो बेडार हो जाती है। तो वो लाख कोशिश करे अपनी जगह पे पहुंचने की, वो पहुंच नहीं पाती, वो जगह फिल हो जाती है, और ये डार से हट के फिर डार में घुस जाते हैं, ना इधर वाली कूंज को तकलीफ़ देते हैं ना इधर वाली कूंज को। लेकिन उन्होंने आखिर में बड़ा खूबसूरत एक जुमला किया कि आँख वाला जोबन का तमाशा देखे, इनकी गायकी जो है वो बेडार नहीं है, ये राग माला गाते हैं, इनका कोई भी बल जो है ना वो आवारा बल नहीं होता। हाँ, कोई ना कोई शक्ल उसमें ज़रूर होती है। तो मुझे इतनी अच्छी उनकी बात लगी कि यार क्या खूबसूरत इन्होंने डेफिनेशन की है। मैं तो वो मगर जो समझते हैं ना वो जब बेडार कहते हैं तो हमें दिली तकलीफ होती है, जो नहीं म्यूजिक को समझते वो कहें उनकी तकलीफ नहीं होती, मगर ये है कि उनकी क्योंकि बेसिक जो था वो उनका क्लासिक था, कपूरथला घराने के शागिर्द थे और बाकायदा तालीम, उनका कोई भी आप आइटम सुने तो वो कोई ना कोई राग में ही कंपोज होता है, लिहाजा जो नहीं समझते वो उन्हें बेडार कह देते हैं, मगर हमें तकलीफ़ होती है, वो बेडार नहीं गाते थे। तो मैं एक चीज़ शेयर करनी चाह रहा हूँ, एक माहिया है, फोक है, उनके अपने पर बना हुआ है, लम्मा गन्ना कमाते थे, मैंने तरह लगा बहुत पॉपुलर,
वो दूसरा हारमोनियम जो है, दूसरे हारमोनियम पे जो जो फॉलो संगत कर रहे हैं वो मेरे संसार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में मोहब्बत बहुत थी, दोस्ती बहुत थी, प्यार बहुत था। तो किसी महफिल में गा रहे हैं तो मेरे साहब बीच में बोले, हर बोली के बाद बोल रहे हैं साहब में, वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है, फिर कहिए। तो बीच में जाके आगे जाके उनकी तबीयत लग गई तो साहब गाना शुरू कर दिया। तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ, वो बहुत नयाब एक चीज़ है, तो वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो मेरे पास है, वो मैं शेयर करता हूँ, आपको सुनिएगा और उसके बारे में ज़रूर बोलिएगा। खुश रहें, सलामत रहें, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, आपको सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया।